मेरे वीडियो देखना, मेरे वीडियो इंटरनेट, मेरे तो फैमिली चल रही है यहाँ पे। ये इतनी बड़ी घड़ी भाई जिंदगी में पहली बार देखी हमने तो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल पांडे ब्लॉग्स। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्लॉक टावर। और पहले भी जोधपुर की ट्रिप में मैं क्लॉक टावर देखने के लिए आया था, लेकिन उस दिन वो बंद हो चुका था। मैं 6 बजे के बाद आया था, मैंने रिक्वेस्ट की थी फिर भी उन्होंने खोला नहीं। अभी मैं यहाँ पे उतरा था ऑटो से, और यहाँ पे पीछे एक मैंने दही कचौरी खाई थी, बहुत ही अच्छी लगी। और यहाँ की लस्सी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप जब भी जोधपुर आओ तो क्लॉक टावर के पास की लस्सी ज़रूर पीना और दही कचौरी ज़रूर खाना, बहुत ज़्यादा यमी लगेगी। अभी चलते हैं यार क्लॉक टावर के अंदर, और क्लॉक टावर के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ आज वो घड़ी का मशीन कि लंदन से मंगवाई गई थी। तो अभी इस जोधपुर की मार्केट में हम घूम रहे हैं घंटाघर के पास, रोड क्रॉस कर रहे हैं। यार ट्रैफिक बहुत है यार आज यहाँ पे, ये पूरी मार्केट एकदम भरी हुई है इस समय। दोपहर में भी तकरीबन 3 बज रहे हैं अभी, लेकिन दोपहर में भी मार्केट का शोर एकदम बहुत ज़्यादा ऊपर है। देख रहे हो इस वाले हिस्से में इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, इतनी ज़्यादा भीड़ है। अभी वहीं पे मैं चाट खा रहा था। इस वाले क्लॉक टावर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ऐसे क्लॉक टावर सिर्फ दुनिया में दो ही हैं, एक जोधपुर में है क्लॉक टावर, दूसरा लंदन में है। इसको बनवाया था महाराजा सरदार सिंह ने, ये पूरा रेड स्टोन का बना हुआ है। मैंने यार जब सर्च किया था तो मेरे को पता लगा यार 120 साल पुराना है ये, लेकिन यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि यह 400 से 500 साल पुराना है। ये जो मेरे पीछे आप क्लॉक टावर देख रहे हैं, इसको लंदन से आया गया था बनवा के। इसकी कुल कीमत 1 लाख रुपए थी, राजा सरदार सिंह ने 1 लाख रुपए और दिए थे ताकि ये जिस कंपनी ने बनाया था ये दोबारा ऐसी कोई घड़ी बना न सके। और जो इसके अंदर थर्ड फ्लोर पे जो मशीन लगी हुई है वो 50 किलो की है, और इसकी चाबी जिससे ये चलती है वो 10 किलो की है। अभी अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ थर्ड फ्लोर पे इसका मशीन कैसा है इस घड़ी का। और 1911 में ये घड़ी बन गई थी, और तब से मतलब अब तक ये एग्जैक्ट टाइम बता रही है। अभी इसमें हम टाइम देखते हैं, इसमें टाइम राइट टाइम बता रहा है, ये 2:55। अभी हम चलते हैं क्लॉक टावर के अंदर और देखते हैं थर्ड फ्लोर पे जाने की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती है, देखते हैं क्या होता है। अभी कितने का टिकट भैया? 25 रुपये। ये है हमारा टिकट 25 रुपीज का क्लॉक टावर का। चलते हैं सीढ़ियों से ऊपर। और अंकल जी कैसे हैं? नमस्कार। से? मैं दिल्ली से। और ये क्लॉक टावर भी है ना 1911 का है, घड़ी एक लंदन और जोधपुर बिग बैन है ना, अंग्रेजी जमाने का है, यहाँ के राजा थे सरदार सिंह, उसने मंगाया घड़ी है। ये तो वीडियो देखना, मेरे वीडियो इंटरनेट, मेरे तो फैमिली चल रही है यहाँ पे। मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी नाम मिस्त्री आलानू, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, बच्चे का नाम मोहम्मद शकील है। लोग पूरे भारत से आगे, विदेश से आके पूरे वर्ल्ड से जा घड़ी आने लंदन से, वो भी आए हैं। ये क्लॉक टावर लंदन की कंपनी ब्लोकली ने बनाया था। और इसमें एक और ज्यादा अच्छी चीज है, जैसे इसमें 15 मिनट बीतते हैं तो ये 2 बार साउंड करती है, और दोनों साउंड अलग अलग होते हैं। और जब आधा घंटा बीत जाता है तो ये 4 बार साउंड करती है, और 1.5 घंटा बीतने पे ये 6 बार साउंड करती है, और 1 घंटा बीत जाता है तो 8 बार साउंड करती है, और हर बार इसका साउंड अलग होता है। ये मतलब एकदम कमाल की चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा अद्भुत है, इसलिए इसका इतना मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है ये वर्ल्ड लेवल पे, एक तरह से ये कह सकते हैं हम। क्लॉक टावर के फर्स्ट फ्लोर से ऐसा कुछ नज़ारा दिखता है क्लॉक टावर की आसपास की मार्केट का। और ये है गेट, और ये सारी मार्केट कुछ इस तरीके से दिख रही है। और ये तो है फर्स्ट फ्लोर, अभी मैं ऊपर भी चलता हूँ, ऊपर भी आपको दिखाऊंगा। जो वो वाला गेट था, उस वाले गेट के बाहर भीड़ ज़्यादा रहती है, लेकिन उस वाले गेट के इस साइड वाली मार्केट में ना भीड़ बहुत ज़्यादा कम होती है। अभी चलते हैं हम ऊपर, और ऊपर देखते हैं यार ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं। ये यहाँ पे इसके पास इन्फॉर्मेशन है पूरी, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। ये हवेली जैसा लग रहा है तो एकदम बिल्कुल, और ये लगी हुई हैं सीढ़ियाँ दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए। चलिए चलते हैं, ये तो हिल रहा है, ये तो हिल रहा है, गिर सकता है, ये तो बहुत ज़्यादा ही पुराना हो गया लग रहा है। यहाँ लाइट नहीं है, आधा घंटा, हाँ 15 मिनट घंटा,
सप्ताह में एक बार दी चाबी तो 7 दिन चलेगा। हर हफ्ते इसमें चाबी दी जाती है, 7 दिन तक चलता है फिर। ठीक है, ऑटोमेटिक। अच्छा वो आवाज कहाँ से आती है इसमें घंटे की? वो आवाज का ऊपर है, ऊपर है। चलो ऊपर देखते हैं। देखो आवाज है, मशीन लगी हुई है। यहाँ पे लाइट नहीं है तो मैंने अपने कैमरे का फ्लैश ऑन कर लिया है और ऊपर चाचा ले जा रहे हैं हमें। देखते हैं और ऊपर क्या पवा ले। यहाँ बहुत ही बड़ी घड़ी है तो अंकल जी, ये इतनी बड़ी घड़ी भाई जिंदगी में पहली बार देखी हमने तो। ये शीशे थोड़े साफ नहीं है इसलिए सही नहीं आ रहा है। इस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ। हाथ दर्द हो गया यार। ये है यहाँ पे घड़ी और ये इसके अंदर से मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो बाहर ये वाली घड़ी हम देख रहे थे क्लॉक टावर पे, जो रोड से देख रहे थे हम। और ये है इसकी मशीन और ये है, इतनी बड़ी मशीन है भाई घड़ी की। घड़ी की इतनी बड़ी मशीन होती है क्या कभी? ये देख लो ऐसे ऐसे घड़ी इसकी चल रही है। और जो इसका पेंडुलम है ना, ये 50 किलो का है अंकल। ये 50 किलो का पेंडुलम भाई ऐसे चल रहा है। ये देखो ये पेंडुलम ऐसे, ये पेंडुलम ऐसे हिल रहा है, हिल रहा है। ये देखो यहाँ पे चल रहा है। फिर से बोलेगा? नहीं बोल गया है। 3:15 बजे, आधा घंटा या 15 मिनट से, आधा घंटा होगा, 2 बार बोलेगा। जो आपने अभी साउंड सुना था ये घड़ी का साउंड था और जो ये पंखा सा घूम रहा था ना, ये साउंड के बजने पे ही घूमता है और अपने टाइम पे ये फिर दोबारा 15 मिनट आधा घंटा पौना घंटा फिर 1 घंटे पे ये घूमता रहेगा। अभी यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार, देख रहे हो यहाँ पे कुछ है नहीं और पंखे वंखे कुछ है नहीं यहाँ पे, ऐसी बस ये घड़ी लगी हुई है। ये यहाँ पे शीशे वगैरह लगे हुए हैं ताकि घड़ी को कोई हाथ ना लगाए या किसी को कोई नुकसान ना हो इसलिए। और यहाँ पे कोई पंखा वंखा नहीं है भाई और कहीं से खुला भी नहीं है। चलो अंकल जी चलते हैं नीचे, बस यही है ना इधर तो। चलो भाई हम चलते हैं नीचे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई यहाँ तो। ओहो बहुत गर्मी लग रही है। इसके नीचे से क्या दिखता है देखे ज़रा। इसके नीचे से वो मार्केट दिख रही है इसमें से। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है, भीग गया मैं तो। कबूतर भी उड़ रहे हैं यार इसी में। अब जाके थोड़ी सांस में सांस आ रही है भाई, ऊपर तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, यहाँ थोड़ी हवा चल रही है फर्स्ट फ्लोर पे। तो यार क्लॉक टावर का वीडियो यहीं तक था। तो कैसी लगी आपको वीडियो? वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लग रही हो ना यार तो लाइक ज़रूर करना यार, सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी कर देना इस वीडियो को, क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, बहुत ज़्यादा। मैं ना ऐसे हाथ में मैंने रुमाल पकड़ रखा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, राजस्थान की गर्मी आप समझ रहे हो, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, पसीने इतने बह रहे हैं ना, रुमाल हाथ में रखना पड़ रहा है। मैं ऐसे पोंछ के फिर शॉट लेने लगता हूँ, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। तो ज़रूर वीडियो को यार सपोर्ट करो, आप लोग सपोर्ट करोगे तो यार बहुत अच्छी अच्छी मैं डेस्टिनेशंस आपको दिखाऊंगा और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश भी करूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।